Here we are going to discuss on the representation of rational numbers on the real line. Here we are taking some example 1 by 2 and minus 1 by 2, how we have to represent it, 2 by 3 and minus 2 by 3, 13 by 5 and minus 13 by 5, 3.5 minus 1 is to 2 by 3. Now representation जो भी है रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन, उसको करने के लिए हम थोड़ा सा ये समझ लें कि वी आर हैविंग अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, और इसके सेंटर को हम यदि जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में हम जाते हैं तो नेगेटिव, ये हमको पता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे इस ओर जाते हैं वन, इस ओर जाते हैं टू, एंड वी मूव सो एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, एंड लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर हमको सबसे पहले हम देखें कि रिप्रेजेंटेशन, ये तो हमने देख लिया, वी हैव सीन इट, बट आई एम गोइंग विद द फर्स्ट वन, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है, सेंटर पे हमने जीरो लेना है, और इस ओर वन है, और इस ओर हमने माइनस वन ले लिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो वन है और माइनस वन, जीरो टू वन प्लस वन, जीरो टू माइनस वन, इस डायरेक्शन में हम देखें, ठीक है। अब यहाँ वन बाय टू जो है, इसके डिनोमिनेटर को देखें तो वन को ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इसका हम वन बाई टू मीन्स इस जीरो टू वन को यदि हम आधा, हाफ डिवाइड कर दें, ओके, तो ये जो आएगा रिप्रेजेंटेशन, ये हो जाएगा आपका प्लस वन बाई टू। सिमिलरली माइनस वन को यदि हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यहाँ टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, जीरो से वन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जीरो से टू को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, माइनस वन को। तो यहाँ पे दिस विल रिप्रेजेंटिंग माइनस वन बाई टू, मीन्स हमने वन को क्या किया, वन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वन को। यहाँ पे देखो वन इज टू टू एंड माइनस वन इज टू टू, तो यहाँ माइनस वन को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और यहाँ पे इसको भी किया। अब हम देखें सेकेंड एग्जाम्पल को, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू अस, टू बाई थ्री एंड टू बाई थ्री, और दूसरा क्या दे रखा है ना। तो यदि हम देखें कि टू बाई थ्री जो है, टू अपॉन थ्री, मतलब टू को थ्री पार्ट में, या हम इसको ऐसे कह लें कि जो जीरो टू वन है, जीरो टू वन, इसकी पूरी वैल्यू देखें तो वन है। अब यदि मैं इसको जीरो को से वन को थ्री पार्ट में डिवाइड कर दूं, थ्री पार्ट में, तो कैसे, तो मैं इसको वन को क्या लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर में भी वन है, डिनोमिनेटर में वन है, थ्री बाय थ्री लिख सकता हूँ। और यहाँ देखें हम जीरो से, तो इसका कितने पार्ट में हो जाएगा, टू पार्ट में, एक तो हो जाएगा वन बाई थ्री और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री, और तीसरा पार्ट थ्री। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है इस लाइन का, नंबर लाइन पे, ये आपने जीरो ले लिया, ये वन ले लिया, वन की वैल्यू यहाँ हम क्या ले रहे हैं, थ्री ले रहे हैं, और इसको हमने किस पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो हो गया वन बाई थ्री, दूसरा पार्ट हो गया टू बाई थ्री, और तीसरा जो पार्ट है थोड़ा दूर चला गया, मैं इसको वन को यहाँ ज्यूम कर लेता हूँ, तो ये थ्री बाई थ्री हो गया, ओके। सिमिलरली इफ वी गो इन दिस डायरेक्शन, माइनस वन बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री, और ये माइनस वन विच इज इक्विवेलेंट टू, मतलब वन, जीरो टू वन को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमको इसको रिप्रेजेंट करना था टू बाई थ्री को, और यहाँ पे माइनस टू बाई थ्री को रिप्रेजेंट करना था। अब थोड़ा सा हम देखें थर्टीन बाय फाइव, थर्टीन बाय फाइव को देखें,
रिप्रेजेंटेशन देखें 13/5 में यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारा सेकंड हो गया, ये थर्ड है, थर्ड में मैं फोर्थ भी एग्जांपल लूँगा, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर लिखते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, आई एम टेकिंग इट हियर 13/5। अब 13/5 को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 5 13 को डिवाइड कर रहा है, और इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2:3/5। मतलब यहाँ बात यहाँ पे ये क्लियर है कि 2 जो है प्लस 3/5 है, 2 क्या है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, रिजल्ट वही रहेगा 2 + 3/5। मीन्स यहाँ से 0 से ये 1 हो गया आपका और ये 2 हो गया, और 2 यहाँ पे हम देखें ये आपका 2 हो गया, देन इट इज 2 2 3। अब 3 को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वल 5 पार्ट्स में, 3/5। तो हमको यहाँ पे ये जो 3/5 जो होगा वो किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, 13/5 का। सिमिलरली इफ वी गो इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, 0 -1 -2, यहाँ पे भी वही रिजल्ट है, -2। इसका 13-5 को भी हम कैसे लिखेंगे, -2 + दिस इज नॉट इन ब्रैकेट 3/5। तो यहाँ पर भी 2 एंड दिस 3/5 ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, -13/5 का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट दैट वी कैन सी हियर इट इज 3.5। 3.5 को मैं ऊपर इस वाले में ले रहा हूँ, 3.5, 0 2 हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ 3 आ रहा है आपका, 3 और 4 को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 3 और 4 जो है उनके बीच का जो है वैल्यू दैट इज डिवाइडेड बाय 2, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो 3 + 1/2 3:1/2 हो जाएगा। सिमिलरली इफ वी गो थ्रू -1 2/3 इट इज गोइंग टू बी -1 इज हियर, और इफ वी मूव एड इन दिस डायरेक्शन -2, तो -2। अब इसको -1 से -2 को हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट में, तो जो सेकंड पार्ट है वो -1:2/3 को रिप्रेजेंटेशन देगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन को हम इस प्रकार से बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now here we are going to take another topic, that is addition of rational numbers. अब addition of rational numbers को यहाँ पे हम simply देखें, हम ले रहे हैं यहाँ पे इनके दोनों के denominator, यहाँ जो example ले रहे हैं that example is having denominator, both denominator is same. अब denominator same है तो यहाँ पे बेसिकली जब भी हम एडिशन करेंगे रेशनल नंबर्स का, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें, बट यहाँ पे एलसीएम दोनों का सेम आएगा, इसलिए हमको भी यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने 9 ले लिया, 9 को ले लिया हमने, अच्छा ठीक है, 7/7/9 विच इज इक्वल टू दिस, 9 को 9 से हमने डिवाइड किया, इस 9 को इस 9 से डिवाइड किया तो रिजल्ट 1 आता है ना, और 1 को हम इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन का, पहले हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस इनटू माइनस इज माइनस, इस 9 को अगेन इफ विल डिवाइड इट विद 9 it is going to be 1, and 1 is multiplied with 11, it is going to be minus 11 only. अब यहाँ पे देखें simply, अब हमको क्या करना है, subtraction हो गया 7 - 11, this number is greater as compared to this, तो ये हो जाएगा आपका -2/9, ये आपका answer आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें
सॉरी, इसमें 7 माइनस 11 है, मैंने 2 लिख दिया, आंसर अपना 4 आएगा, 4/9। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें सिंपल एग्जांपल में, 7 माइनस 11 दैट इज 4, और यहाँ पे 11 इज ग्रेटर देन 7 है, तो ये माइनस का 4 हो गया, तो आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, नाउ वी विल गो विद द अनदर वन। अब इसमें आप देखें कि यहाँ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, यहाँ 6 है या 9 है, यहाँ पे दोनों सेम थे, इक्वल थे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, तो 6 की माइनस का साइन नहीं है, इसको आप कामा भी लिख सकते हैं, बेटर है कामा लिखें हम इसको, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इट इज 2 3 जा, तो ये आ गया आपका 2 × 3 × 3 विच इज 18, ये आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम दिस 6 and 9 इज दिस। अब हम यहाँ ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में हमने क्या लेना है, 18 लेना है, और इसको सिंपल करने का तरीका है बिल्कुल, 18 आ गया आपके पास में, यहाँ 6 है, 18 को 6 से डिवाइड कर दें तो 6 थ्रीजा कितना होगा, 18 होता है, 3 को इस न्यूमरेटर के साथ में हमने मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस ले लिया हमने। अब ये जो नंबर है इसको देखते हैं हम, 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 टू जा 18 बाय 9 कर लिया हमने, इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, 18 बाय 6 किया था, तो व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट 3, यहाँ 18 बाय 9 विच इज 2, नाउ 2 इज मल्टीप्लाइड विद दिस 4 × 2 दैट इज 8, तो यहाँ देखें हम -15 + 8/18, 4 × 2 दैट इज 8, एंड दिस इज 5 × 3 = 15 दैट इज दिस। अब यहाँ 15 इज 15 न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या जाएगा, -7/18, -7/18 आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमने दो एडिशंस देखे रेशनल नंबर्स के, दोनों एडिशन में हमने दो चीजें समझ में आना चाहिए, एक तो यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, और यहाँ डिनोमिनेटर अनइक्वल था, वेयर द डिनोमिनेटर आर अनइक्वल। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,